गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो विराम चिन्ह में 9 अलग अलग विराम चिन्ह है, तो उसमें हमने 3 चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। वो कौन से? अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। 3 चिन्हों के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आगे के विराम चिन्ह जो है वो आज हम देखेंगे। तो फोर्थ वन, प्रश्न चिन्ह। जिस चिन्ह से प्रश्न पूछने का आभास होता है, जिस चिन्ह से प्रश्न पूछने का आभास होता है उसे प्रश्न चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न चिन्ह। क्या तुम गांव जाओगे? अभी आए हो? ये सब क्या है? प्रश्न चिन्ह। क्या, कौन, कहां, कब, ये सब क्या है? प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, भाववाचक विस्मयादिबोधक चिन्ह। भाववाचक यानी कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं, वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, हर्ष यानी खुशी प्रकट करना, विस्मय आश्चर्य, भय करुणा दया आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाचक विस्मयादिबोधक चिन्ह। उदाहरण, वाह वाह क्या ताज है, शाबाश कीप इट अप, कितना अच्छा, बहुत खूब। आप ऐसे हम कहते हैं ना, आप यहाँ ऐसे हम कहते हैं, तो वहां आश्चर्य, ये सब विस्मयादिबोधक चिन्ह के चिन्ह है। और एक एग्जांपल, सर, आश्चर्य से सर। इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट कहते हो तो इंटरनेट का मतलब क्या है, एक लड़का पूछ रहा है। हेलो हेलो पंडित जी, पंडित जी आए हैं तो उन्हें हेलो पंडित जी, यह क्या है? ये सब विस्मयादिबोधक चिन्ह है। यहाँ प्रश्न चिन्ह भी आया है, देखिए बच्चों इस वाक्य में। तो यह हुआ भाववाचक विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह में क्या बताया गया है? जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है, जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक, दो से, दो साला मतलब दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। उदाहरण, माता पिता, माता पिता जो लिखा है तो उसके बीच में एक योजक चिन्ह है। देखिए बच्चों, फल फूल, वर्ण उपवर्ण, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का जोड़ा हो तो वहां योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कथन को, यानी किसी को, कोई एक व्यक्ति जो कहता है, कथन यानी कहता है, वो जैसे के तैसे लिखना, जो का त्यो बताया जाता है, कहते यानी हम कहते हैं या लिखते हैं, उसे क्या है? उद्धरण चिन्ह में वो क्या है? लिखते हैं। उदाहरण, मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे, मैंने पूछा, यहाँ अल्प
अर्ध अल्प विराम है और यह उद्धरण चिन्ह है। उसमें पैसे तो नहीं थे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जवाब मिला कागजात के, जिसने वो वाक्य कहा है जैसे कहा है वही बताना। क्या है जो बताते हैं वही वाक्य हम उद्धरण चिन्ह लगाकर लिखते हैं। नेक्स्ट कोष्टक चिन्ह, किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। कोष्टक यानी ब्रैकेट। किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है। उसका उदाहरण हम देखेंगे, यही रख करके लिखती हूँ। देखिए बच्चों, तो आपको अभी क्या है कोष्टक चिन्ह का उदाहरण क्या है आपको लिखना है। और एक चिन्ह बचा हुआ है वो भी मैं लिख देती हूँ। उदाहरण उदाहरण क्या है, कोष्टक चिन्ह का उदाहरण। राम के अनन्य भक्त, राम के अनन्य भक्त कौन है? हनुमान। तो ब्रैकेट में हनुमान भक्त ने, हनुमान ने चुनौती स्वीकार की, चुनौती स्वीकार की। यह हुआ क्या है कोष्टक चिन्ह, यानी किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए जो शब्द हम ब्रैकेट में लिखते हैं कोष्टक से कोष्टक कहते हैं। तो राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की, राम का अनन्य भक्त कौन है? हनुमान। तो हनुमान यह शब्द हमने क्या किया है कोष्टक में लिखा है। और एक एग्जांपल देखेंगे बच्चों, कौन सा एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के मैं बाद में लिखती हूँ, नहीं तो लिखिए बच्चों। ई प्रशासन क्या है? ई प्रशासन, ई प्रशासन, ई प्रशासन का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को भी ई प्रशासन कहते हैं। नेक्स्ट आईटी का इंफॉर्मेशन है, यह आईटी संक्षिप्त में लिखा है तो उसका विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यह हुआ क्या आईटी का विस्तृत रूप। और एक
विराम चिन्ह बचा है बच्चों, वो भी आज हम लेंगे। देखो तो क्या हो जाता है, विराम चिन्ह हमारा हो जाता है लास्ट वन विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब किसी बात का, किसी बात का, किसी बात का उत्तर, किसी बात का उत्तर। विवरण या उदाहरण, या उदाहरण अगली पंक्ति में, अगली है नेक्स्ट, अगली पंक्ति में, पंक्ति में देना हो, देना हो तो इस चिन्ह का, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। उदाहरण देखिए बच्चों, अभी आपको किसी किसी एक यानी इंटरनेट का मतलब क्या है, अर्थ डेफिनेशन लिखना है, तो आप क्या करते हो, अर्थ, अर्थ इसे लिख कर आप क्या करते हो, यहाँ दो पॉइंट रखते हो, या उत्तर, उत्तर ऐसे लिख कर एरो मार्क दिखाते हो। तो यह सब क्या है, विवरण चिन्ह कहते हैं, या संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद ऐसे लिख कर आप क्या करते हो, यहाँ दो विवरण चिन्ह पॉइंट लिखते हो, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों आज हम विराम चिन्हों के बारे में जो बचे थे उसके बारे में भी हमने क्या है जानकारी प्राप्त कर ली है। तो बच्चों पहले एक के बाद एक ऐसे वीडियो देखिए, उसके बाद क्या है आपको फेर में लिखना है। चाहिए तो आप 10th स्टैंडर्ड पेज नंबर 194 में भी दिया है, अगर समझ में नहीं आया तो पेज नंबर 194 भी देखकर क्या है लिख सकते हो। अच्छा बच्चों समझ में आया तो लिखिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।